चलिए बात कर लेते हैं बेबो यानी करीना कपूर की, लेकिन बात करेंगे उनकी ऐसी फिल्मों की, फ्लॉप फिल्मों की, जिन्हें अगर आप एक बार देखेंगे तो दूसरी बार नहीं देखना चाहेंगे, अपना माथा फोड़ लेंगे। और हो सकता है करीना के फैंस को हमारा ये वीडियो कुछ खास रास नहीं आए, लेकिन भाई गॉसिप है, हमें तो करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इवन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रेखा। करीना कपूर खान इन दिनों फिल्म द बकिंघम मर्डर्स को लेकर सुर्खियों में छाई है। इस फिल्म को दर्शकों ने ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया है, ना ही बहुत बुरी है ना ही बहुत घटिया है। लेकिन आपको आज उनकी कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जो उनके करियर की फ्लॉप फिल्मों में हैं। हालांकि करीना ने कुछ अच्छी फिल्में भी करी हैं जो हिट हुई हैं, लेकिन बात करेंगे आज फ्लॉप। साल 2003 में करीना की फिल्म रिलीज हुई थी खुशी, इसमें उन्होंने फरदीन खान के साथ काम करा था। ये फिल्म थी सुपर फ्लॉप। इस फिल्म की कहानी से लेकर करीना कपूर की एक्टिंग सब कुछ बहुत ही भद्दड़ था, लेकिन ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर आप देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। साल 2008 में रिलीज हुई टशन, इसमें सैफ अली खान, करीना कपूर, अनिल कपूर और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे एक साथ थे, लेकिन फिर भी ये सुपर फ्लॉप थी। आप इसको Amazon Prime पर देख सकते हैं अगर आप करीना के फैन हैं। साल 2009 में रिलीज हुई कमबख्त इश्क, ये भी एक फ्लॉप फिल्म ही थी, इसमें करीना के ऑपोजिट अक्षय कुमार थे। आप इसको Amazon Prime पर देख सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। 2009 में रिलीज हुई थी मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, जिसमें सलमान खान और सोहेल खान करीना कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखे थे, ये भी सुपर फ्लॉप ही थी। उसके ठीक अगले साल 2010 में रिलीज हुई थी सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी मिलेंगे मिलेंगे, इसमें शाहिद और करीना एक साथ नजर आए थे। दोनों को पसंद तो करा गया था लेकिन फिल्म नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पर, और इसी फिल्म से ही दोनों का अफेयर भी शुरू हुआ था। आप इसे YouTube पे फ्री में देख सकते हैं। दो साल बाद 2012 में रिलीज हुई एक मैं और एक तू, ये भी सुपर फ्लॉप फिल्म थी। इसमें करीना कपूर के साथ इमरान खान लीड रोल में थे। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। 2013 में रिलीज हुई गोरी तेरे प्यार में, ये फिल्म पुनीत मल्होत्रा ने डायरेक्ट करी थी और ये भी सुपर फ्लॉप ही थी। शायद ही कुछ लोगों को इस फिल्म का नाम पता हो, इसमें भी वो इमरान खान के साथ ही लीड रोल में दिखी थी। इस मूवी को आप Amazon Prime पर बड़े ही प्यार से देख सकते हैं अगर आप करीना कपूर के फैन हैं तो। और अगर आपको उनकी कोई फिल्म बहुत पसंद आई हो तो वो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर करें, हो सकता है हमारी और भी ऑडियंस वो देख ले। अभी के लिए इतना ही, वन एंटरटेनमेंट पे नमस्कार।